हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ मित्रों, आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष का आरंभ हो चुका है। 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक इन 16 दिनों में श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं। माना जाता है इन 16 दिनों तक हमारे पितृगण धरती पर ही मौजूद रहते हैं और हमसे तर्पण की आशा करते हैं। यदि आपके भी पितृगण का आप तर्पण करना चाहते हैं तो अवश्य ही इन 16 दिनों में आप उनका तर्पण अवश्य करें। साथ ही में इस एक उपाय को करना ना भूलें। शाम के समय यदि प्रतिदिन आप इन 16 दिनों तक एक नियम बना लेते हैं तो यकीन मानिएगा आपके पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही में महादेव के संग माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यदि आपके घर में आर्थिक तंगी बहुत अधिक रहती है, आर्थिक समस्या का आपको बहुत अधिक सामना करना पड़ता है, तो इसकी एक वजह यह भी होती है कि कभी कभी हमारे पितरों का आशीर्वाद हम पर नहीं होता है। हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण ही हमारे पितर हमसे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि रात्रि में हमारे पितृगण हमारे द्वार पर आते हैं और जब उन्हें तर्पण नहीं किया जाता है तो वह हमसे रुष्ट हो जाते हैं और उनका प्रकोप में झेलना पड़ता है। जिस भी घर पर अपने पितरों का साया होता है, जिस भी घर पर पितरों का आशीर्वाद होता है, उस घर में कभी भी अशांति नहीं होती है, शांति का माहौल होता है। साथ ही में घर में बरकत भी बनी रहती है। पितरों के आशीर्वाद के साथ ही हम अपने हर कार्य को सफल बना पाते हैं। तो यदि आप भी इस उपाय को करेंगे तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इस उपाय के लिए आपको 5 दीपकों की आवश्यकता होगी। अब आप चाहें तो आटे के दीपक बना सकते हैं मित्रों, या फिर मिट्टी के दीपक ले सकते हैं। पूजनीय पंडित जी ने अपने श्री शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से इस उपाय का वर्णन किया है। पितृपक्ष में यदि आप इस 5 दीपक का उपाय करते हैं, शाम के समय रात्रि 8 बजे से पूर्व आपको इस उपाय को कर लेना है और प्रतिदिन 16 दिनों तक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कलश भरकर रखना है, जिससे कि आपके पितर यदि आपके द्वार पर आते हैं तो वह प्यासे ना रहें, भूखे ना रहें, उन्हें तर्पण अवश्य ही प्राप्त हो, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और आपको वह आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 5 दीपक को तैयार कर ले लंबी बाती और शुद्ध देसी घी से, या फिर सरसों के तेल से भी आप तैयार कर सकती हैं। क्या करना है आपको, एक दीपक अपने घर के रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान के पास लगाना है, दूसरा दीपक घर के बीचों बीच ब्रह्म स्थान पर रखना है और 2 दीपक आपको घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ रखना है और एक अपने घर के छत पर रखना है। कहते हैं पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन्यवाद।